हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास रिड्यूस द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू अ फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। बेसिकली इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और उसका एक एग्जाम्पल देखा था। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, इसको हमें फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करना है। तो गिवन बाउंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से वाई डबल डैश बराबर माइनस ए एक्स वाई डैश माइनस बी एक्स वाई प्लस जी एक्स। तो इसका हमें इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे वाई डबल डैश था तो ये ओनली वाई रह जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस जीरो ए टू एक्स, क्योंकि ए टू बी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। तो ए टू एक्स ए जाई वाई डैश जाई, बेसिकली ए जाई और ये जो वाई जो फंक्शन है वो भी एक्स का फंक्शन है। तो वाई जाई डी जाई माइनस ए टू एक्स बी जाई वाई जाई डी जाई, ये हो गया। इस तरह से ए टू एक्स जी एक्स जो है हमने चेंज ऑफ वेरिएबल से जी जाई डी जाई प्लस एल्फा वन यानी कि एक कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया हमने। तो यहाँ से हो गया, हमें यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको सॉल्व करके। अब बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अगर जब इसको सॉल्व करेंगे हम इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो u डॉट v से ये हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स। अब बेसिकली पहले ए जाई को छोड़ा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश जाई, तो ये आ जाएगा ए जाई वाई जाई और लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे माइनस, और सेकंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पे डी ओवर डी जाई ऑफ ए जाई जो कि छोड़ा था ए जाई और इंटीग्रेशन ऑफ वाई जाई और ये हो जाएगा डी जाई। तो यहां से हमारे पास ये आ गया, और चूंकि ये माइनस साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस ए टू एक्स ए डैश जाई क्योंकि डेरिवेटिव, और इसका इंटीग्रेशन क्योंकि ये वाई डैश है यहाँ पे तो इसका इंटीग्रेशन वाई जाई रह जाएगा, दिया गया वाई जाई डी जाई माइनस ए टू एक्स सिंपली बी जाई वाई जाई और ये ए टू एक्स जी जाई डी जाई प्लस एल्फा, ये है हमारे पास। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें हम ए टू एक्स इंटीग्रेशन हो रहा है, सभी जगह इंटीग्रेशन ए टू एक्स ही हो रहा है, ए टू एक्स ही हो रहा है। और अगर यहाँ पे देखें हम तो वाई जाई कॉमन ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया है। तो ये हो गया ए डैश जाई माइनस बी जाई और वाई जाई डी जाई, ये बार हो गया। ए टू एक्स जी जाई डी जाई को अलग रखा और साथ में ये टर्म जो माइनस ए एक्स वाई एक्स की फॉर्म में यहाँ आ चुकी है। और साथ में ये हमारे पास क्या है, ए जब ए अप्लाई करेंगे तो ए एट ए वाई एट ए प्लस और ये आ जाएगा एल्फा वन, ये आ जाएगा। बट अगर हम बाउंड्री कंडीशंस देखें, बाउंड्री कंडीशन क्या है, वाई एट ए बराबर सी वन, वाई एट ए बराबर सी वन, तो यहाँ आ जाएगा ए ए एंड सी वन प्लस एल्फा, ये हो गया। अगेन इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और ओवर ए टू एक्स हमने इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली, ये तो वाई एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, इसका इस इंटीग्रेशन का पार्ट जब यूज करेंगे तो ये हमारे ए टू एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास फिर से ए टू एक्स वन। सपोज एक्स वन एक वेरिएबल्स की हेल्प से ए डैश माइनस जाई ए डैश जाई माइनस बी जाई वाई जाई डी जाई और ये हो गया हमारे पास सॉरी डी, अगर यहाँ पे एक्स वन गया तो यहाँ पे एक्स वन लेना पड़ेगा, एक्स वन और ये एक्स वन और यहाँ पे डी जाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, ये फॉर्मूला फ्रेंड्स। अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन हो तो उस कंडीशन हमारे पास जो फाइनल जो आंसर आता है वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल ए टू एक्स एक्स माइनस जाई की पावर एन माइनस वन वाई जाई डी जाई, ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा था। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लिख सकते हैं कि इसे इंटीग्रेशन जो आएगा एक्स माइनस जाई ए डैश जाई बी जाई वाई जाई डी जाई, और साथ में इसका इंटीग्रेशन जो आएगा एक्स माइनस जो वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल था वो, क्यों चूंकि ये टू माइनस वन फैक्टोरियल आया है तो ये हमारे पास वन हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिखा एन माइनस वन फैक्टोरियल को, एक्स माइनस जाई जी जाई डी
dj, और फिर इसका इंटीग्रेशन ए टू एक्स, इस टर्म का इंटीग्रेशन ए जाई वाई जाई डी जाई, और ये एक्स माइनस ए, और ये हमारे पास जब इसका इंटीग्रेशन, जो कि ये है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट पे हमारे पास इंटीग्रेशन जो आएगा लिमिट ए टू एक्स रहेगी और कॉन्स्टेंट डी एक्स, और बाकी की टर्म यानी ए ए प्लस सी वन और प्लस एल्फा ये जो है बाहर रहेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद जो एक्स आएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस ए आ जाएगा, प्लस एल्फा टू एक अलग से कॉन्स्टेंट एड कर दिया। अब अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, वाई एट ए बराबर सी वन, वाई एट ए बराबर सी वन है तो यहाँ से हम ले सकते हैं वाई एट ए, क्योंकि ए बराबर ये टर्म, ए बराबर यहाँ पर तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, और ये टर्म भी जीरो हो जाएगी क्योंकि ए पुट करते ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सी वन बराबर एल्फा, एल्फा टू बराबर सी वन आ जाएगा, तो एल्फा टू बराबर सी वन आ गया हमारे पास, तो ये हमारे पास एल्फा टू की जगह हमने सी वन पुट कर दिया। अगेन अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, सेकंड का बाउंड्री कंडीशन क्या थी, वाई बी बराबर सी टू, तो वाई बी बराबर वाई बी बराबर सी टू, तो यहाँ पे हमारे पास जब सी टू के लिए पुट करेंगे तो ए टू बी, और ये बी माइनस जाई, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे जाई पुट कर देना, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो सी यहाँ से सी टू बराबर क्या आ गया, बेसिकली सी वन तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ चुका है, एल्फा टू, सॉरी सी एल्फा टू जो आया था वो सी वन आया था, सी वन यहाँ पे ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास सी टू की वैल्यू भी आ चुकी है। अब यहाँ सी वन और सी टू की वैल्यू जो है बेसिकली यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सी टू की वैल्यू आ चुकी है। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली अब यहाँ से, सॉरी इस इक्वेशन की हेल्प से एल्फा वन प्लस सी वन एल ए एल्फा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू निकालने पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमारे पास एल्फा वन प्लस सी वन ए एल्फा की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू क्या थी, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं यानी कि यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करनी है हमें, तो यहाँ पे पुट करने पे हमारे पास वाई एक्स बराबर इस तरह का एक फॉर्म ऑप्टेन हो जाएगा, वाई बराबर ये फॉर्म ऑप्टेन हो जाएगा। अब ये फॉर्म ऑप्टेन हो चुका है तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं यहाँ, तो वाई एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करने पे एफ एक्स, और लिमिट जहाँ पे ए टू एक्स, और ये हमारे पास रीअरेंज करने पे बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पे ए जाई बी जाई, ये डैश जाई बी डैश जाई जो है वो टर्म हमारे पास यहाँ पे, ये वाली टर्म जो भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं यहाँ पे, इस टर्म को यहाँ से कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं कॉन्स्टेंट, यहाँ से सॉरी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, सभी जगह से जब हम कॉमन लेंगे तो ये कॉमन लेने पे एक टर्म, क्योंकि इंटीग्रेशन भी जहाँ पे ए टू एक्स है, तो ये एक्स माइनस जाई माइनस एक्स माइनस ए बी माइनस जाई बी माइनस ए ये आ जाएगा, ये इजीली आप देख सकते हो, और इजीली इसको सॉल्व करने पे ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। नाउ हमारे पास एक्स माइनस जाई, एक्स माइनस जाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जाई को इस तरह से, सॉरी एक्स माइनस जाई माइनस एक्स माइनस ए बी माइनस जाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एंड, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू बेसिकली इनको सॉल्व करके जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वाई एक्स बराबर ये टर्म आ जाएगी, वाई एक्स बराबर एफ एक्स और ये टर्म, बेसिकली इसमें सिर्फ सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है इसको, तो ये सॉल्व करेंगे अगर लिमिट देखा तो ए टू बी और ए टू बी, तो यहाँ से वाई एक्स बराबर एफ एक्स ए टू बी ये हो गया हमारे पास। अब वेयर एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर यानी कि ये फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, ये वाली टर्म को एफ एक्स लिया गया था, ये वाली टर्म को हमने एफ एक्स माना था, तो ये वाली टर्म जो है वो एफ एक्स है, और साथ में ही ए टू बी के एक्स जाई वाई जाई, और ये हमारे पास, तो यहाँ पे के एक्स जाई वाई जाई जो है वो इस तरह से डिफाइन है, अगर एक्स लेस ग्रेटर देन चाहिए तो ये, और एक्स लेस देन जाई है तो ये, तो इस तरह से कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन का फर्दुलम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।